हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एमयू एंट्रेंस क्लैकर। जैसे कि आप सब जानते हैं, अगर नहीं जानते तो हम आपके नॉलेज के लिए बताते हैं, जानकारी के लिए बताते हैं कि एमयू ने अपना क्लास 11th साइंस, डिप्लोमा इंजीनियरिंग, इसके अलावा कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्ट्रीम्स का जो है रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। और आज हम इस वीडियो में पूरा क्लास 11th का रिजल्ट और डिप्लोमा इंजीनियरिंग का रिजल्ट का हम रिजल्ट डिटेल रिजल्ट एनालिसिस करेंगे, ठीक है। और साथ के साथ हम ये बताएंगे कि आप अगर सेलेक्टेड हैं तो आपका काउंसलिंग प्रोसीजर क्या रहेगा, अगर आप वेटिंग में हैं तो आपकी कितनी वेटिंग क्लियर हो सकती है, मैक्सिमम एएमयू में कितनी वेटिंग क्लियर होती है। जैसे कि सपोज डैट अगर आपकी वेटिंग 1000 प्लस आ गई है डिप्लोमा इंजीनियरिंग में, या आपकी साइंस स्ट्रीम में वेटिंग जो है 250-280 है, तब आपकी वेटिंग क्लियर होगी या नहीं। गर्ल्स कैंडिडेट की भी बात करेंगे साथ के साथ। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि एएमयू का रिजल्ट आया है तो उसमें पूरा रिजल्ट एनालिसिस करेंगे। अगर आपने अभी तक रिजल्ट चेक नहीं किया है तो आप हमारे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर समझाएंगे कि आप किस तरीके से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है अपने मोबाइल के या लैपटॉप के ब्राउज़र में आ जाकर यहाँ सर्च कर लेना है www, ठीक है, .amucontrollerexam.com। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन की मदद से, मतलब लिंक की मदद से भी अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं और हम इस तरीके से एएमयू की मेन वेबसाइट पर आ जाएंगे। तो आप देख पा रहे होंगे एएमयू की वेबसाइट है और आपको यहीं पर दिख जाएगा रिजल्ट ऑफ एसएससी साइंस ह्यूमैनिटीज़ कॉमर्स एंड डिप्लोमा इंजीनियरिंग। ये रिजल्ट वाले सेक्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप जो है यहाँ आ जाएंगे, इंटरफेस आपको रिजल्ट वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा। और इसमें आप देख लीजिए कि यहाँ पर आपको लिखा दिखाई दे रहा होगा सीनियर सेकेंडरी स्कूल एंड डिप्लोमा इंजीनियरिंग। आप इस पर क्लिक कर लेंगे तो आपको जो है यहाँ टोटल डिप्लोमा इंजीनियरिंग बॉयज़ के लिए गर्ल्स के लिए और देखिए ह्यूमैनिटीज़ कॉमर्स के लिए आपको एक सेपरेट लिस्ट मिल जाएगी, और यहीं गर्ल्स के लिए आपको एक सेपरेट लिस्ट मिल जाएगी। वहीं साइंस बॉयज़ के लिए, साइंस गर्ल्स के लिए सेलेक्टेड जो है 6 लिस्ट हैं, वहीं चांस मोमो की टोटल 6 लिस्ट हैं, और वहीं आपके स्पेशल कैटेगरी की भी 6 लिस्ट हैं, ये सभी लिस्ट हैं। तो हम चलिए सबसे पहले ओपन करते हैं 11th साइंस बॉयज़ के लिए। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि यहाँ जो है टोटल कितने स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया है बॉयज़ कैटेगरी के लिए। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको बताएं कि बॉयज़ कैंडिडेट की अगर सीट्स की बात करें एएमयू के स्कूल्स में, तो 11th साइंस में जो है 755 सीट्स हैं। कितनी सीट्स हैं? 755 सीट्स हैं। और इस सीट्स के लिए कितने कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है? 604 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया है। बाकी जो है सिलेक्टेड स्टूडेंट स्पेशल कैटेगरी लिस्ट के थ्रू सिलेक्ट किए गए हैं, स्पेशल कैटेगरी के थ्रू सिलेक्ट किए गए हैं। वहीं अगर गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स कैंडिडेट की टोटल सीट जो है साइंस स्ट्रीम में आपकी 480 सीट है, और 480 में जो है यहाँ सेलेक्ट किया गया है 384 गर्ल्स को, ठीक है। तो चलिए हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर जो है टोटल इतने बच्चों को तो सिलेक्ट किया गया है। अब साइंस स्ट्रीम में 604 बच्चों को सिलेक्ट किया गया है, वहीं 300 स्टूडेंट्स को, यानी कि 300 स्टूडेंट को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है, ठीक है, चांस मोमो लिस्ट में रखा गया। वहीं गर्ल्स कैंडिडेट में जो है आपको 150 गर्ल्स कैंडिडेट की वेटिंग आई है, यानी कि 150 गर्ल्स कैंडिडेट को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। तो आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं यहाँ इस लिस्ट में आके, ठीक है। अब बात करेंगे हम गर्ल्स कैंडिडेट की, 11th साइंस स्ट्रीम गर्ल्स कैंडिडेट की सिलेक्टेड लिस्ट की बात जो है हमारी यहाँ पर जो है टोटल कितनी गर्ल्स को सिलेक्ट किया गया है। अगर सीट्स की बात करें तो यहाँ गर्ल्स कैंडिडेट की सीट्स जो थी 480 सीट देखने को मिलेंगी आपको साइंस स्ट्रीम में गर्ल्स कैंडिडेट के लिए। तो इन सीटों के लिए आपको जो है 384 स्टूडेंट को जो है इस लिस्ट में शामिल किया गया है, बाकी गर्ल्स जो है स्पेशल कैटेगरी के थ्रू सिलेक्टेड हैं। वहीं इनकी चांस मोमो की अगर बात करें तो चांस मोमो लिस्ट में 150 गर्ल्स को जो है चांस मोमो लिस्ट या वेटिंग में रखा गया है। चलिए तो अब बात करते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम की हमने ये लिस्ट खोल रखी है, और इस लिस्ट के अंदर जो है 296 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया है, ठीक है, बॉयज़ कैंडिडेट को। इसमें आपका कॉमर्स और आर्ट्स दोनों इंक्लूड हैं, ठीक है, इतने स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया है। तो चांस मोमो लिस्ट में जो है 600 स्टूडेंट्स को रखा गया है चांस मोमो लिस्ट के अंदर। वहीं अगर हम बात करें गर्ल्स कैंडिडेट की, तो गर्ल्स कैंडिडेट जो है सिलेक्टेड लिस्ट में 160 कैंडिडेट हैं, जिसमें से 270 स्टूडेंट्स को जो है चांस मोमो लिस्ट में रखा गया है। और डिप्लोमा इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं साथ के साथ, तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग में आपको यहाँ तकरीबन 384 सीट्स देखने को मिलती हैं। डिप्लोमा इंजीनियरिंग की टोटल सीट जो है 384 हैं बॉयज़ के लिए, और गर्ल्स के लिए 101 है, यानी कि 101 सीट है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग में कितने स्टूडेंट सेलेक्टेड हैं। 303 बॉयज़ स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया है, और अगर इनकी वेटिंग की बात करें तो वेटिंग लिस्ट में जो है 2500 यानी कि 2500 स्टूडेंट को चांस मोमो लिस्ट में रखा गया है। वहीं अगर गर्ल्स कैंडिडेट की बात करें तो गर्ल्स कैंडिडेट की ओवरऑल सीटें 101 हैं पॉलीटेक्निक में, यानी कि वुमेंस पॉलीटेक्निक में 101 सीट्स हैं, और इसमें से 89 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया है सिलेक्टेड लिस्ट के थ्रू। और बाकी चांस मोमो की अगर बात करें तो 1200 जो है यहाँ पर चांस मोमो लिस्ट में गर्ल्स कैंडिडेट को रखा गया है, 1200 गर्ल्स कैंडिडेट को चांस मोमो लिस्ट में शामिल किया गया है। तो चलिए अब बात करते हैं कि कट ऑफ क्या रही है। तो हम बात करेंगे यहाँ साइंस स्ट्रीम के लिए, तो साइंस स्ट्रीम के लिए जो है 11th साइंस स्ट्रीम के लिए आप जिनके भी 56 मार्क्स आ रहे थे वो सभी स्टूडेंट जो है सिलेक्टेड लिस्ट में। अब आपको करना क्या है कि अगर आपके इससे भी कम मार्क्स आ रहे हैं, इससे ज़्यादा हैं और आप सिलेक्टेड लिस्ट में,
तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है अपना मार्क्स, आप इंटरनल हैं या एक्सटर्नल हैं, किस कैटेगरी से हैं और आपकी कितनी रैंक है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, आपको ये करना है अपने मार्क्स के साथ, जो एंट्रेंस एग्जाम में आपका स्कोर हुआ था आपके कितने मार्क्स थे, अपना स्टेटस बताना है इंटरनल थे या एक्सटर्नल थे, और आपको ये इन्फॉर्म करना है कि आप किस कैटेगरी से थे, कि कोई स्पेशल कैटेगरी का क्लेम किया था, स्पेशल कैटेगरी के थ्रू अप्लाई किया था, तो आपको ये सब मेंशन करना है, ठीक है, ताकि वो डिटेल्ड कट ऑफ हम प्रिडिक्ट कर पाएँ कि डिटेल क्या रही है, ठीक है, एग्जैक्ट कट ऑफ क्या रही है, हम आपके साथ ये भी शेयर कर पाएंगे। चलिए तो अब बात करते हैं कि यहाँ पर वेटिंग कितनी कितनी क्लियर हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साइंस स्ट्रीम की, कि साइंस स्ट्रीम में कितनी वेटिंग क्लियर हुई थी लास्ट ईयर। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं साइंस स्ट्रीम की, तो साइंस स्ट्रीम में जो है लास्ट ईयर की अगर बात करें तो लास्ट ईयर 79 वेटिंग क्लियर हुई थी साइंस स्ट्रीम के लिए। वहीं सी ए कैटेगरी में जो है 128 वेटिंग क्लियर हुई थी, सी ई कैटेगरी में 132 वेटिंग क्लियर हुई थी, एस सी कैटेगरी के अंदर 39 और एस टी कैटेगरी में 14, डी एस कैटेगरी में 35 और बी सी यानी कि ओ बी सी कैटेगरी में 76 वेटिंग क्लियर हुई थी। चलिए तो अब बात करेंगे हम साथ के साथ कॉमर्स स्ट्रीम की, तो कॉमर्स स्ट्रीम में 256 अगर आपकी जो है वेटिंग इसके आसपास आ रही है तो आपकी वेटिंग क्लियर हो जाएगी 256। सी ए कैटेगरी में 56 वेटिंग क्लियर हुई थी लास्ट ईयर, सी कैटेगरी में 74 और एस सी कैटेगरी में 11। वहीं एस टी और डी एस कैटेगरी का डेटा भी इंक्लूडेड नहीं है इसके अंदर, ठीक है, और वहीं पी एस कैटेगरी के अंदर 26 स्टूडेंट को वेटिंग क्लियर हुई थी। अब डिप्लोमा इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग में बॉयज़ कैंडिडेट की कितनी वेटिंग क्लियर हुई थी। तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग बॉयज़ कैंडिडेट की 1495 वेटिंग क्लियर हुई थी, सी ए कैटेगरी में 115, सी कैटेगरी में 104, एस सी कैटेगरी में 51, एस टी एस सी में भी लगभग 50 के आसपास ही वेटिंग क्लियर हुई थी, डी एस कैटेगरी के अंदर आपकी जो है अराउंड 60 के आसपास वेटिंग क्लियर हुई थी, और पी एच कैटेगरी में जो है आपकी वो 30 वेटिंग के आसपास क्लियर हुई थी। वहीं गर्ल्स कैंडिडेट की बात करें डिप्लोमा इंजीनियरिंग में गर्ल्स कैंडिडेट की 542 क्लियर हुई थी, सी कैटेगरी में 39 और एस सी कैटेगरी में 14, ठीक है। तो ये लास्ट ईयर वेटिंग क्लियर हुई थी। अगर आपकी मान चलो लमसम बात करते हैं कि अगर आपने साइंस स्ट्रीम के थ्रू अप्लाई किया था और आपकी 150 वेटिंग आ रही है, ठीक है, तो 150 वेटिंग क्लियर होने के लेस प्रोबेबल चांस है। अगर आपके 100 वेटिंग आई है साइंस स्ट्रीम में तो चांसेस हैं कि आपका जो है वेटिंग क्लियर हो जाएगी, यानी कि फ्रॉम लिस्ट फोर्थ और फिफ्थ तक आपकी जो है चांसेस हैं कि आपका जो है साइंस स्ट्रीम में आपका वेटिंग क्लियर होने के मोस्ट प्रोबेबल चांस हैं। वहीं अगर कॉमर्स स्ट्रीम की बात करें, अगर आपकी लास्ट ईयर 256 वेटिंग क्लियर हुई थी, कितनी वो क्लियर हुई थी, 256 वेटिंग क्लियर हुई थी कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के अंदर। अगर मान लीजिए कि आपके जो है 300 प्लस वेटिंग आई है, कितनी आई है 300 प्लस वेटिंग आई है, तब आपको बहुत ज़्यादा वेट करना होगा और लेस प्रोबेबल चांस है कि 300 प्लस वेटिंग क्लियर हो जाए। लेकिन अंडर 300 जिनकी भी वेटिंग है, वैसे सभी स्टूडेंट को थोड़ा वेट करना होगा और इन्हें फ्रॉम लिस्ट थर्ड और फोर्थ तक वेटिंग क्लियर देखने को मिलेगी अपनी। लेकिन वैसे सभी स्टूडेंट जिनकी अंडर 250 वेटिंग आ रही है तो उनकी वेटिंग क्लियर हो जाएगी फ्रॉम लिस्ट सेकेंड और थर्ड में ही, ठीक है। या अब चलिए बात करते हैं डिप्लोमा इंजीनियरिंग की, तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग में आपकी जो है कितनी वेटिंग क्लियर हो सकती है। तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग बॉयज़ में तो यहाँ टोटल 2500 स्टूडेंट को वेटिंग में रखा गया है। कितने रखा गया है, 2500 स्टूडेंट्स को वेटिंग में रखा गया। तो इसमें से भी जो है आपकी अराउंड लास्ट ईयर 1495 वेटिंग क्लियर हुई थी, तो इस बार अगर हम माने तो मैक्सिमम जो है आपकी 1600 वेटिंग क्लियर हो सकती है, ठीक है। और 1600 से ज़्यादा अगर किसी की डिप्लोमा इंजीनियरिंग में वेटिंग आ रही है तो बिल्कुल भी चांसेस नहीं है, ठीक है, और आपको वेट भी नहीं करना है। अब हालांकि आप चाहें तो काउंसलिंग वगैरह कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग होती है, और अपना वेट करना होगा आपको मैक्सिमम 1 मंथ का, तब आपको डिक्लेयर हो पाएगा कि आपकी वेटिंग क्लियर हुई है या नहीं हुई है, किस स्ट्रीम में हुई है या किस ब्रांच में हुई है डिप्लोमा इंजीनियरिंग की। तो दोस्तों आज की यही थी छोटी सी वीडियो, पूरा हमने रिजल्ट एनालिसिस किया है, साथ के साथ आपको कट ऑफ भी डिस्कस किया है और कितनी वेटिंग क्लियर हो सकती है आपके साथ ये भी डिस्कस किया है। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पर आकर पूछ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अपने मार्क्स स्टेटस के साथ, अपने मार्क्स, ठीक है, कितना स्कोर हो रहा था आपका और आपकी जो है सिलेक्टेड लिस्ट में है, सिलेक्टेड हैं या चांस मोमो है, वेटिंग है, और आप किस कैटेगरी के थ्रू थे, इंटरनल थे एक्सटर्नल थे, ये सब मेंशन करना है कमेंट सेक्शन में। चलिए तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।